नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के फिजिकल के बारे में। दोस्तों, जिसमें अभी यूपी बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन अपडेट किया है, जिसमें यह बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड हैं फिजिकल के, वह दोबारा से जारी यहाँ पर होने वाले हैं। दोस्तों, अब जारी किसके होने वाले हैं यह आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल शिक्षा एकेडमी पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी नया अपडेट आता है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचा है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और यूपी प्लस की वेबसाइट पर जाकर वह नोटिस को अच्छे से देख लेते हैं कि आखिर जो एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं फिजिकल के लिए, वह किन विद्यार्थियों के हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं डायरेक्ट यूपी प्लस की वेबसाइट पर। दोस्तों, आप यह देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन है, यह दोस्तों 2 तारीख को यहाँ पर अपडेट किया गया था। आप इसको भी देख सकते हैं, कब किया गया था, ये 2 तारीख को अपडेट किया गया था। कौन सा, देखिए दोस्तों, ये वाला नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। अब इसको हम ओपन करके देख लेते हैं आखिर इसमें क्या क्या और दिया गया है। तो जैसे दोस्तों आप इसको ओपन करके, डाउनलोड ऑटोमेटिक हो जाएगा और जैसे ही डाउनलोड होगा, वह आपके स्क्रीन पर अपने आप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर यह ओपन हो चुका है। जिस यहाँ जब कब जारी किया गया था, यह कम्प्लीट यहाँ पर दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह दोस्तों 2 जनवरी 2019 को यह जारी किया गया। कब, 2 जनवरी 2019 को यह जारी किया गया। दोस्तों, इसमें लिखा गया है सबसे आरक्षी नागरिक पुलिस एवं आरक्षी PAC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक संपादित अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई में सफल अभ्यर्थी जिनका शारीरिक दक्षता परीक्षा की कार्रवाई नहीं हो पाई है, उन अभ्यर्थियों की यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के संदर्भ में, यानी कि दोस्तों जिन विद्यार्थियों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो नापतोल वाला प्रक्रिया होती है वह कंप्लीट हो चुकी है, उनके दोस्तों यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों उनकी अब रनिंग बाकी है। दोस्तों, जिनकी यहाँ पर रनिंग रह गई है उनके यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। तो देख लेते दोस्तों पूरी जानकारी, इसको डिटेल से अपन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि आरक्षी पुलिस एवं आरक्षी PAC के पदों पर सीधी भर्ती 2018 की प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक जिनके यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिक वो हो चुका है, नापतोल या फिजिकल हो चुका है, उनका रनिंग के लिए यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। कब, तो दोस्तों यह जो उन अभ्यर्थियों के यहाँ पर जो एडमिट कार्ड जारी होने बाद दोस्तों 6/1/2019 से 7/1/2019 तक यहाँ पर दोस्तों जो फिजिकल है वह प्रस्तावित है। यानी कि दोस्तों लखनऊ और मेरठ में यह जो फिजिकल होने वाला है रनिंग का, वह फिजिकल होगा 2 शहरों में, एक मेरठ में, लखनऊ में होने वाला है और दूसरा मेरठ में। और दोस्तों यह जो एड्रेस दिया है यहाँ पर, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा केंद्र का नाम है या एड्रेस है, यहाँ पर आप उनको पहुँचना है जिनका भी यहाँ पर एडमिट कार्ड आने वाला है। दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं कि इसमें लिखा है, दूसरा पॉइंट उल्लेखनीय है कि पूर्व मैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्रतिभाग कर चुके अभ्यर्थी उक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगी। यानी कि जिनका यहाँ पर पहले से जो शारीरिक दक्षता थी वह कंप्लीट हो चुका है, यानी कि रनिंग कंप्लीट हो चुकी है, वह उनका यहाँ पर दोबारा जारी हो जाएगा, नहीं होगा, फिर भी आप वहाँ पर नहीं पहुँचे। जिनका विद्यार्थी को यहाँ पर फिजिकल रह गया है वही यहाँ पर पहुँचेंगे, बाकी विद्यार्थी यहाँ पर नहीं जाएंगे। और दोस्तों, जिन यहाँ पर एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की डेट भी लिखी हुई है कि आप 4 जनवरी 2019 से बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। कब से, 4 जनवरी 2019 से अपने जो एडमिट कार्ड हैं वह बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे और आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस यही जानकारी आप तक पहुंचाने थी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो आप अपने चैनल शिक्षा अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।